लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा जब सच सबकी आंखों के सामने होगा। बस डर लगता है कि कहीं बहुत देर ना होगी। एमल, तुम्हें वो रात याद है जिस रात अस्मा गायब हुई थी? मुरीद को ही कॉल आई थी ना, और मुरीद ही उसे थाने से लाया था, और उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा था कि आप अपनी मोहब्बत बचाइए साहब, मुरीद हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। कौन सी हार, कैसा खेल, किससे जीतना चाहता है ये? उसने ये कहा तो सर? एमल, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूंगा, बस एक एहसान कर दो मुझ पर, कुछ दिन तक, बस कुछ दिन तक मुरीद पे नजर रखो। असल तुम जो कुछ भी मुरीद के बारे में कहते हो, क्या तुम्हारे पास उसका सबूत है? सबूत भी मिल जाएगा, झूठ ज्यादा देर छुपता नहीं। मैं मुरीद को बेनकाब करने में तुम्हारे साथ हूँ। एमल, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि अस्मा की जान खतरे में है। ये ना हो कि तुम लोग सबूत के इंतजार में बैठे रहो और अस्मा की जान को नुकसान पहुंचे। फिर अगर सबूत मिल भी गए तो उनका कोई फायदा नहीं होगा, और अगर और कुछ नहीं कर सकते तो उस्मा को इतना ही समझा दो कि होशियार रहे।